पारस की उठा लो, पारस का अलग करो, जो भी है सब का अलग कर रहे हो तो दो मार कहाँ है? दो मार कहाँ है? दो मार अरे ये भी उतार लो ना, ये दीप कृष्णा का अलग और उसका पारस का अलग नेग्रो है आगरा की, उनका कोई ट्रेडमार्क लिया हुआ है एश और दीप के नाम से। उनके द्वारा सूचना दी गई थी कि हमारे ट्रेड नेम को यूज करके और यहाँ भामाशाह मंडी में रोड नंबर 7 पे एक फैक्ट्री द्वारा उसी तरह का कोई नकली घी बनाया जा रहा है जो पूजा रस के नाम से विक्रय करते हैं। उसकी जांच में आए थे तो देखा यहाँ पे काफ़ी मात्रा में, बड़ी फैक्ट्री है, काफ़ी मात्रा में पूजा रस के नाम से इस तरह का दीप और एस के नाम से बनाया हुआ है। इसके संबंध में जांच कर रहे हैं और विधिवत नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। तो ये नकली हुआ या सिर्फ कॉपी हुआ उसका? और नहीं, उसका कॉपी है, कॉपी किया हुआ है उसका जो यूज नेम, ट्रेड नेम को जो यूज किया हुआ है उसके संबंध में जांच करके कार्रवाई की जा रही है। बरामद कही जाएगा अब जी हाँ। और इसके अलावा सारे बिग बाजार, मॉल, ईजी, जितने भी आपके कमर्शियल मार्केट हैं इंडिया लेवल के बड़े, उन सभी में हमारी सप्लाई जाती है। यूपी गवर्नमेंट कैंटीन में हमारी सप्लाई जाती है, यूपी पुलिस कैंटीन में जाती है, सेंट्रल कैंटीन में जाती है, सीएसडी में जाती है। हम अपने देश को विदेशी मुद्रा अर्जित करके देते हैं। कॉपीराइट एक्ट, ट्रेडमार्क, आईपीसी एक्ट में कई धाराओं का उल्लंघन है और उसकी नकल करके हमारे माल को बेचा जा रहा है और ग्राहकों के साथ धोखा हो रहा है। और पूजा के नाम पर, पूजा रस क्लास 3 में आता है, लेकिन पूजा रस नाम की कोई चीज़ क्लास 3 में नहीं है, ये क्लास 29 में आता है। क्लास 29 के साथ भी ग्राहकों के साथ बहुत बड़ा धोखा है ये। तो ये नकली का आप लगा रहे हैं? हमारी कंपनी के कुछ बंदे जो पायरेसी में उसका वो करते हैं, उन्होंने पहले इसका पायरेसी में, पूरा एंटी पायरेसी में कलेक्शन किया, कलेक्शन करने के बाद तब ये हुआ।